राम राम, जय हिंद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 किलोमीटर की रनिंग की। 25 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी कैसे करनी है, क्या चीज़ें फॉलो करनी, कुछ कुछ टिप्स हम आपको देंगे, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वर्कआउट बता पाना मुश्किल है। क्योंकि आप, तुम्हारी क्या बॉडी वेट है, क्या पोस्चर है तुम्हारा, कितनी तुमने रनिंग की है, हमें कुछ नहीं पता है। तो अगर हम कोई भी ऐसा वर्कआउट दे देंगे, सब फॉलो करोगे, तो हो सकता है किसी के साथ दिक्कत भी हो जाए। इसके लिए हम हाईली रिकमेंडेड है ये कि आप पर्सनल ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो। 500 रुपये सिर्फ फीस रखी, इसलिए हमने मिनिमम फीस रखी, इससे कम नहीं हो सकती थी। 500 रुपये फीस है, जो कि फ़ोन पे या गूगल पे आपको इस नंबर पे करना होता है, जो कि 7268-0-15-78। इस नंबर पे करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे भेजना है, जो कि है 700-756-30-32। यहाँ पे हम पर्सनल ट्रेनिंग इसलिए ज़रूर कहेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें पता होगा तुम्हारा बॉडी वेट क्या है, यहाँ पे हमें पता होगा तुम्हारी डाइट क्या है, तुम क्या कर रहे हो इस समय, किस तरीके का लाइफ स्टाइल है, उसके हिसाब से हम तुम्हारा एक पर्सनलाइज्ड एक वर्कआउट और डाइट प्लान तुम्हें दे देंगे, जिसको तुम फॉलो करके अपनी रेस कवर कर सकते हो। नहीं मतलब है हमें रेस तुम्हारी कब है, हमें मिनिमम कम से कम 45 से 50 दिन चाहिए, ठीक है। कुछ टिप्स हम आपको जरूर दे सकते हैं, वो समझ लेते हैं। सबसे पहला है, पहले हफ्ते नो एक्सट्रीम वर्कआउट। कई बार क्या होता है कि हम जाते हैं, किसी को भी फॉलो करने लग जाते हैं, तुम्हारा आज ग्राउंड में पहला दिन है, जो बंदा 3 महीने से दौड़ रहा है उसकी बराबरी करोगे, 2 दिन भी नहीं दौड़ पाओगे। तो पहला टिप यही है कि नो एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जितना तुमसे हो पा रहा है पहले हफ्ते सिर्फ उतना करना है। वार्म अप करो, स्ट्रेचिंग करो, जितना हो सकता है उतना करो, घर आ जाओ। दूसरा है कंफर्टेबल शूज। अब देखो, जूते बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक लंबी दौड़ है, ठीक है, बहुत लंबा आपको जाना है, तो जूते कंफर्टेबल अगर नहीं होंगे तो पैर में मोच आने का खतरा, पैर में जो काफ मसल होती है उसमें स्ट्रेन आ सकता है, या नी पेन हो सकता है, कुछ भी दिक्कतें हो सकती है। इसलिए जूता आपका बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास होने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी तुम लंबी रनिंग के लिए जा रहे हो तो तुम्हारा ग्लाइकोजन फुल होना चाहिए, मतलब कि तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए जो कि ग्लाइकोजन में होती है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट अपने अच्छे चुनने पड़ेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जैसे कि दलिया हो गया, ओट्स हो गया, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गया, या रोटी हो गया, इस तरह के कार्बोहाइड्रेट जो तुरंत डाइजेस्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट उनको अवॉइड करना है। एनर्जी ड्रिंक्स जैसे हो गई, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स आपके अच्छे होने चाहिए। ओवरवेट अगर आप हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप ओवरवेट हो, तो आप इतनी लंबी रनिंग तो कर ही सकते हो क्योंकि आपके अंदर एनर्जी इतनी है, क्योंकि मोटापा है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है। मोटापे का मतलब सिर्फ होता है कमजोरी, बीमारी और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ओवरवेट हो तो कोशिश ये करो कि जंपिंग वाली जितनी भी एक्सरसाइज मत करो, वरना नी पेन लेके बैठ जाओगे, फिर तो रनिंग होने से रही तुम्हारी। जंपिंग जैक, जंप स्क्वाट, स्क्वाट तो कर सकते हो, जंप स्क्वाट जो होते हैं, जंपिंग जैक होते हैं, ये सब नहीं, क्योंकि पूरा लोड आपके नी पे आएगा। तो चौथी एक टिप यही है कि ओवरवेट वाले थोड़ा सा ध्यान दें। अगला है, इट्स मैराथन नॉट स्प्रिंट। अब क्या होता है कि हम लोगों को वर्कआउट के बारे में पता नहीं है, तो हम लोग स्प्रिंट वाला ही, जो 400 मीटर 800 मीटर वाला वर्कआउट होता है, वही हम फॉलो करने लगते हैं कि चलो इतनी दौड़ के बाद ये वर्कआउट फॉलो कर लेंगे। नहीं, सबकी प्रोग्रामिंग अलग होती है, ठीक है। आपका अगर वर्कआउट लंबे समय तक का है तो उसके हिसाब से डिजाइन की जाएंगी चीज़ें, इसलिए बिल्कुल भी स्प्रिंट वाला फॉलो मत करने लग जाना। अगला है मल्टीविटामिन, और उसके बाद है ओमेगा 3। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब लंबी रनिंग के लिए जा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स बहुत देर तक हाईली इफेक्टिव होते हैं, मतलब काम करते हैं आपकी बॉडी में, तो उनको थोड़ा सा नरिश करने के लिए, उनको थोड़ा सा न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा देने के लिए मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है, जो कि मल्टीविटामिन वही करती है आपकी बॉडी में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनको कैरी करने में आपकी हेल्प करेगी अच्छे से, और जितने भी चीज़ें आप खा रहे हो उसको, उसमें जितना भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करेगी। ओमेगा 3 फेस ऑयल आपके हार्ट के लिए, आपके जॉइंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबी रनिंग में ये सारी चीज़ें चाहिए। तो दो सप्लीमेंट तो भैया कंपलसरी है। तीसरा है, सॉरी, आठवां टिप है 5 डेज रनिंग। अगर आप मैराथन की तैयारी कर रहे हो तो 7 दिन दौड़ने की जरूरत नहीं है, 5 दिन रनिंग करो, 2 दिन रिकवरी को, तो आराम से रेस निकलेगी, ठीक है। अगला है कम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। देखो, रनिंग के साथ साथ तुम जो सबसे ज़्यादा फोकस करोगे, वो फोकस करोगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होता है, ओवरऑल बॉडी की कंडीशनिंग होती है, ठीक है, तुम्हारी जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा फुलर होती हैं, जिससे कि तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रिजर्व करते हो। जिम जाके क्या होता है, आप मसल फाइबर टूटते हैं, खाना देते हो वो बनती है, तो जो मसल होती है वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी कैरी करती है, जिससे कि तुम बहुत देर तक थकोगे नहीं, फटीग नहीं फील करोगे लंबे समय तक के लिए, इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करो। अगला है 60 डेज। मिनिमम 60 डेज आपको देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर की तैयारी के लिए। अब कुछ लोगों को लगता है कि 4 घंटे का टाइम दे दिया है, क्या दिक्कत है, वो देखने में लग रहा है सिर्फ 4 घंटे, जब मैदान पर जाओगे 5-10 किलोमीटर के बाद फट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये सारी टिप्स आपको फॉलो करनी है। अगर
कुछ भी डाउट है तो ट्रेनिंग के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री में एडवाइस हम व्हाट्सएप पे नहीं दे पाएंगे, उसके लिए दिल से सॉरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।